बेटा इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने वाले हैं। शुरुआत में मैं एक आपको फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उस फ्लो चार्ट के अंदर जितने भी पार्ट्स को मैं लिखूंगा वो सारे के सारे पार्ट्स इसी वीडियो में बेटा कवर कराए जाएंगे, तो ध्यान से सुनते रहना और जो भी डायग्राम्स या डिटेल्स हों आप उन्हें नोट्स की फॉर्म में लिखते रहना अपनी कॉपी में पॉज करके वीडियो को। तो टॉपिक जो आज शुरू कर रहा हूँ उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट जो हम कवर करेंगे वो है पेयर्ड ओवरीज। फीमेल के अंदर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं। दूसरा पार्ट जो हम कवर करेंगे वो है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में जो सबसे पहला पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा वो है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट पार्ट वाला। और इसके अंदर हम तीन पार्ट पढ़ेंगे, एक इन्फंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा इस्थमस। दूसरा पार्ट हम जो यहां पे पढ़ेंगे वो है यूट्रस। यूट्रस में भी तीन पार्ट पढ़ाए जाएंगे, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। और तीसरा पार्ट है यहां पे वजाइना। बेटा यहां पे एसेसरी ग्लैंड तो नहीं होती, लेकिन दो ग्लैंड फिर भी मैं आपको यहां पे बता दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे ग्लैंड तो नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन फिर भी अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूं तो यहां पे एक ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है जिसे बार्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं। उस बार्थोलिन्स ग्लैंड को पढ़ेंगे। और दूसरा पार्ट जो हम यहां पे कवर करेंगे वो है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसे स्कीन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम स्कीन ग्लैंड कहते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट यहां पे होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया या आप कह सकते हो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इसे वल्वा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हम जिन पार्ट्स को पढ़ेंगे बेटा वो पार्ट होंगे हमारे, सबसे पहला मॉन्स प्यूबिस, दूसरा पार्ट होगा यहां पे जो डिप्रेशन वाला होता है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। और उस वेस्टिब्यूल को सराउंड करने के लिए दो स्किन फोल्ड होते हैं, मेजर स्किन फोल्ड को हम लेबिया मेजोरा कहते हैं और जो माइनर स्किन फोल्ड होता है, छोटा स्किन फोल्ड होता है, उसे लेबिया माइनोरा कहा जाएगा। इसी तरीके से यहां पे एक पार्ट पढ़ेंगे हाइमन और क्लिटोरिस। ये सारे के सारे पार्ट्स हैं जो आपको इस वीडियो में कवर कराए जाने हैं, ठीक है। तो इसे चार्ट फॉर्म में आप बना लीजिएगा। अब यहां पे डायग्रामेटिकली हम इन चीजों को समझ लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये पार्ट कहां पे कैसे होंगे। तो यहां पे मैं आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना रहा हूं। और बेटा देखिए ध्यान से सुनना, इसमें एक्सटर्नल जेनिटिलिया कवर नहीं हो पाएगा इस डायग्राम में, तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया के लिए हम लोग अलग से एक डायग्राम को देखेंगे और उसमें एक्सटर्नल जेनिटिलिया को समझेंगे। देखिए यहां पे पेयर्ड ओवरीज लगी होती हैं। ओवरीज का डिटेल मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। ये ओवरीज जिस लिगामेंट की मदद से यहां पे पेल्विक वॉल से या यूट्रस की वॉल से जुड़ी हुई हैं उसे हम मेसोवेरियम कहते हैं। मेसोवेरियम एक लिगामेंट का नाम है जिसकी मदद से ये दोनों ओवरीज कहां पे जुड़ी होंगी, बेटा यूट्रस की साइड वॉल्स पे जुड़ी होंगी। उसके अलावा इन ओवरी के सबसे पास में एक पार्ट होगा ओविडक्ट का, ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से लेके यहां तक, इसी को बेटा हम लोग ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इस फेलोपियन ट्यूब ये एक्सटेंड कहां से करती है, यूट्रस से ओवरी के बीच में ये पार्ट प्रेजेंट होता है। और इस ट्यूब की अगर लेंथ की बात करी जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर की ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसका सबसे लोअर मोस्ट फनल शेप स्ट्रक्चर इनफंडिबुलम कहलाता है। और इस इनफंडिबुलम के नीचे आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं जिन्हें हम फिम्बरी कहेंगे।
और बेटा इसको नीचे की तरफ, यहां पे नीचे की तरफ आपको एक पोर देखने के लिए मिलेगी, जिसके थ्रू जब यहां से सेकेंडरी ओसाइट या ओवुलेशन होने के बाद में एग रिलीज होगा, वो इस फैलोपियन ट्यूब में इस पोर के थ्रू पहुंचता है। और बेटा उस पोर को हम लोग नाम देते हैं ऑस्टियम, उस पोर को हम नाम देते हैं ऑस्टियम। अब ध्यान से सुनिएगा आगे की बात। ये यहां पे सेकेंडरी ओसाइट है जो रिलीज हुआ था, या एग कह सकते हो, ओवम की इमेच्योर फॉर्म, अभी डिटेल पे आएंगे इसके ऊपर भी, जो यहां से रिलीज हुआ और इनफंडिबुलम में पहुंच गया। किसके थ्रू पहुंचा? ऑस्टियम के थ्रू पहुंचा। और इसको ट्रैप करना या कलेक्ट करने का काम किसका था? फिम्बरी का था। इस इनफंडिबुलम के आगे वाला जो वाइडर पार्ट है उसे हम लोग एम्पुला कहते हैं, उस वाइडर पार्ट को हम एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला जहां पे खत्म हो जाता है उस हिस्से को हम इस्थमस कहते हैं, उस हिस्से को हम इस्थमस कहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा आगे की बात। इस्थमस जहां पे ओपन होगा वो पार्ट होगा यूट्रस का। अब इस यूट्रस के भी तीन पार्ट हैं। जो ऊपर वाला डोम शेप स्ट्रक्चर है इसे हम लोग फंडस कहते हैं। बीच वाला जो पार्ट है इसे बॉडी कहा जाता है, ये मेन पार्ट होता है। और तीसरा पार्ट यहाँ पे जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स बहुत पावरफुल स्पिंचर मसल से बनती है, और बेटा ये बर्थ के टाइम पे ये सर्विक्स बर्थ कैनाल के तौर पे एक्ट करती है। और इस यूट्रस की भी तीन लेयर होती हैं। सबसे आउटर पेरिटोनियल लेयर को यूट्रस की हम क्या कहते हैं? पेरीमीट्रियम कहते हैं, इसे हम पेरीमीट्रियम कहते हैं। बीच वाली लेयर को हम मायोमीट्रियम कहते हैं। और सबसे अंदर वाली लेयर को हम एंडोमीट्रियम कहते हैं। ये तीन लेयर हैं जो होंगी। इसमें जो मायोमीट्रियम होती है, ये मायोमीट्रियम बेटा स्मूथ मसल से बनी होती है, और ये स्मूथ मसल्स एक्ट करती हैं जब किसी कंप्लीटली डेवलप्ड, आप कह सकते हो चाइल्ड की डिलीवरी होगी या पार्चुरेशन होगा, उस टाइम पे ये बीच वाली लेयर मायोमीट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करती है। और एंडोमीट्रियम जो लेयर है सबसे अंदर वाली, ये हाईली वस्कुलर है, इसमें डेंस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और यही है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन जहां पे बच्चा इम्प्लांट होगा। मेरी बात आपको ध्यान से समझ में आ रही होगी। तो आप एक काम और कर सकते हो कि जो यूट्रस को मैंने यहाँ पे लिखा था, तो आप इसी यूट्रस की तीनों लेयर भी बना सकते हो। इस यूट्रस की तीन लेयर भी होती हैं, ठीक है। उन तीनों लेयर्स में सबसे पहली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी? आउटर मोस्ट पेरीमीट्रियम। सबसे बीच वाली लेयर थी मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर थी जो हाईली वस्कुलर थी, डेंस ब्लड वेसल से रिच थी, उसे हम कहेंगे एंडोमीट्रियम, ठीक है, एंडोमीट्रियम। तो इस तरीके से आप इसे ऐड कर लीजिएगा अपने चार्ट में। तो ये तो मैंने आपको पार्ट पढ़ाया, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ा जाएगा। हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले पेयर्ड ओवरीज वाले पार्ट से। तो बेटा मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ पेयर्ड ओवरीज से, और ओवरी के अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं हम उनकी बात करेंगे। तो बेटा ओवरी का अगर हम लोग शेप की बात करें तो ये आलमंड शेप की होती हैं। इनके अगर साइज की बात करी जाए तो इनका साइज 2 से 4 सेंटीमीटर का होगा। अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो ये अटैच्ड होती हैं यूट्रस की वॉल से। ये अटैच्ड हैं किससे? यूट्रस की वॉल से। किसकी मदद से? एक लिगामेंट की मदद से, जिस लिगामेंट को हम लोग नाम देते हैं मीजोवेरियम, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना आगे की बात। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करें, तो इस ओवरी के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे ओवरी को मैं बना रहा हूँ, ये ओवरी की वॉल है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट था जिसकी मदद से ये यूट्रस की वॉल से जुड़ रहा था, इसे मैं नाम दे रहा हूँ इस लिगामेंट को मीजोवेरियम, इसे मैं मीजोवेरियम कह रहा हूँ। दूसरा इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा, इसके जस्ट नीचे बेटा, यहाँ पे जर्मिनल एपिथीलियम होगा, यहाँ पे जर्मिनल एपिथीलियम होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? जर्मिनल एपिथीलियम वाला है। और जहाँ पे जर्मिनल एपिथीलियम खत्म होगी, उस जर्मिनल एपिथीलियम के जस्ट नीचे, उस जर्मिनल एपिथीलियम के जस्ट नीचे आपको फिर से एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलेगी, जिस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग नाम देते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जिसे हम नाम देते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये जो अंदर वाला स्पेस होता है इसे हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा कह देते हैं,
और इस पूरे ओवेरियन स्ट्रोमा को दो हिस्सों में बांटा गया है। अंदर पूरे पार्ट को मैंने क्या कह दिया, पूरा पार्ट, होल थिंग इनसाइड दिस इज नोन एज ओवेरियन स्ट्रोमा एंड इट इज फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट। इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला एंड आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। ठीक है, बाहर वाला जो पार्ट है इसका ओवेरियन स्ट्रोमा का, ये क्या है, कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला पार्ट मेडुला है। तो मैंने क्या बोला कि जो इस ओवरी के अंदर स्ट्रोमा वाला पार्ट है, ये जो ओवरी के अंदर स्ट्रोमा वाला पार्ट है उसका जो आउटर लेयर है उसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे, और जो इनर लेयर है या अंदर वाला जो पार्ट है, इनर पार्ट है, उसे मेडुला कहेंगे। तो बेटा इस मेडुला वाले पार्ट में क्या होगा, इस मेडुला वाले पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगी बहुत सारी ब्लड वेसल्स, न्यूमरस ब्लड वेसल्स आपको यहां पे देखने के लिए मिलती हैं। दूसरा पार्ट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दूसरा पार्ट इसको आपको कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यूज यहां पे देखने के लिए मिलेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यूज आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तीसरा कुछ इलास्टिक फाइबर यहां पे देखने के लिए मिलेंगे, यहां पे आपको कुछ इलास्टिक फाइबर देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे लास्ट पार्ट जो आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा वो है आपका बेटा स्मूथ मसल्स जो यहां पे मौजूद होंगे, स्मूथ मसल्स जो आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो मेडुला वाले पार्ट में तो ये चार चीजें मिल गई। अब कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो कॉर्टेक्स के अंदर आपको बेटा बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहां पे सबसे बाहर वाले पार्ट में क्या देखने के लिए मिलेगा, ओवेरियन फॉलिकल देखने मिलेंगे। अब इस ओवेरियन फॉलिकल से नई कहानी शुरू होगी कि ये ओवेरियन फॉलिकल क्या होते हैं, क्या करते हैं, कहां से आते हैं, इनके टाइप क्या है, इनके अंदर क्या होता है। तो बात को ध्यान से सुनते रहना। देखिए सबसे पहला एक टर्म मैं लिख रहा हूं आपके सामने, एक टर्म मैं लिख रहा हूं फॉलिकल, और एक टर्म मैं लिख रहा हूं ऊसाइट। देखिए ये ऊसाइट जो होता है, ये ऊसाइट बेसिकली क्या है, ये इमैच्योर ओवम को ही हम ऊसाइट कहते हैं। मतलब जो फीमेल गैमेट है वो क्या है, ओवम, उस ओवम की ही इमैच्योर फॉर्म क्या है, ऊसाइट कहलाती है। ठीक है, इस ओवम की इमैच्योर फॉर्म ऊसाइट कहलाती है। और इस ऊसाइट की भी दो फॉर्म होती हैं, एक को कहा जाता है प्राइमरी ऊसाइट, एक को कहा जाता है प्राइमरी ऊसाइट, और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट, दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। ध्यान से सुनिएगा, और ये जो फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल जो होते हैं ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। ये जो ऊसाइट मैंने टर्म लिया, क्या ये जो ऊसाइट था इमैच्योर ओवम वाली स्टेज, उस ऊसाइट को सराउंड करके रखती है ग्रेनुलोसा लेयर। कौन सी, ग्रेनुलोसा लेयर। तो अंदर की तरफ आपको ऊसाइट मिला। अब वो ऊसाइट जरूरी नहीं है कि प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, कब होगा प्राइमरी कब होगा सेकेंडरी बताऊंगा अभी। ये ऊसाइट को चारों तरफ सराउंड कर रही है क्या, ग्रेनुलोसा लेयर। तो ये ग्रेनुलोसा लेयर और ये ऊसाइट दोनों मिलके क्या कहला रहे हैं, फॉलिकल कहला रहे हैं। ऊसाइट और ग्रेनुलोसा मिलके क्या कहलाएंगे, फॉलिकल कहलाएंगे। और इस फॉलिकल के भी टाइप होंगे, कौन कौन से, इसके टाइप होंगे जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और सबसे मैच्योर फॉलिकल जो होता है उसे हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल, उसे हम नाम देंगे ग्राफियन फॉलिकल। तो मैंने क्या नाम बताया, मैंने बताया कि ये फॉलिकल के चार टाइप थे, कौन कौन से, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और सबसे मैच्योर फॉलिकल को मैंने क्या कहा, मैंने कहा ग्राफियन फॉलिकल। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि फॉलिकल क्या था, और फॉलिकल के अंदर जो ऊसाइट थी वो दो फॉर्म में थी। अब बेटा इसे ऊसाइट प्राइमरी और सेकेंडरी कब कहेंगे, तो देखिए अगर अगर वो फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज पे है, फर्स्ट अरेस्ट कब होता है, फर्स्ट अरेस्ट होता है मियोटिक डिवीजन जब होगा, उस मियोसिस वन के प्रोफेज वन की एक स्टेज होती है जिसे डिप्लोटीन स्टेज कहा जाता है। अगर इस स्टेज पे फर्स्ट अरेस्ट में है तो प्राइमरी ऊसाइट है, और सेकेंडरी ऊसाइट कब कहेंगे, जब वो सेकेंड अरेस्ट में होती है। सेकेंड अरेस्ट कब होता है, ये होता है मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज, सेकेंड वाला इवेंट अगर इस स्टेज पे है अरेस्ट तो सेकेंडरी ऊसाइट कहलाती है। तो ये अरेस्ट कब होंगे और क्या क्या इवेंट होने वाला है, तो ये कहानी है, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए कहानी शुरू होती है फीमेल के, कोई भी फीमेल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, मतलब जब वो फीमेल खुद एम्ब्रियो थी, जब वो फीमेल खुद एम्ब्रियो थी, मतलब वो किस स्टेज पे थी, वो अभी बिफोर बर्थ वाली स्टेज पे, मतलब उस बच्चे का, उस फीमेल का, उस फीमेल चाइल्ड का अभी बर्थ नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ, जो उसकी ओवरी थी उस ओवरी के अंदर
जो जर्मिनल एपिथीलियम था या जो जर्म सेल थी, उन जर्म सेल्स ने मियोसिस किया, मियोसिस किया। और कौन सा मियोसिस किया होगा? सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट किया, और मियोसिस करने के बाद में बेटा मिलियंस में, मिलियंस में क्या बनाए? प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनाए। क्या कह रहा हूं मैं? प्रिमोर्डियल फॉलिकल। प्रिमोर्डियल फॉलिकल क्या होते हैं? प्रिमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से, प्राइमरी फॉलिकल से पहली वाली जो स्टेज होगी, इससे भी पहले वाली जो स्टेज होगी, उसे हम प्रिमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। सबसे इमेच्योर फॉलिकल जो होता है वो प्रिमोर्डियल फॉलिकल होता है। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो ये सबसे मैच्योर है और ये सबसे इमेच्योर स्टेज है। अब आगे की बात सुनिएगा। मिलियंस ऑफ प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनाए, लेकिन लेकिन बेटा ये जो मियोसिस था ये कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं कंप्लीट हो पाया? तो ये प्रोफेज वन की एक स्टेज होती है, डिप्लोटीन स्टेज। उस डिप्लोटीन वाली स्टेज पे ये आके सेल साइकिल क्या हो गई? स्टॉप हो गई। और जब ये सेल साइकिल स्टॉप हुई, उसी को हमने नाम दिया फर्स्ट अरेस्ट। क्या कहा? फर्स्ट अरेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसने मियोसिस करना स्टार्ट किया, लेकिन फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज आ गई। कहां पे? प्रोफेज वन के डिप्लोटीन स्टेज में। तो इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने नाम दिया प्राइमरी ऊसाइट। इसे हमने क्या नाम दिया? इसे हमने प्राइमरी ऊसाइट कह दिया। अब बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। ये मिलियंस ऑफ प्रिमोर्डियल फॉलिकल उसकी ओवरी में मौजूद थे। अब उस फीमेल का इसी स्टेज में बर्थ हो जाता है, ठीक है, इसी स्टेज में बर्थ हो जाता है, और उस फीमेल का पूरा चाइल्डहुड भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब बर्थ और चाइल्डहुड आपका चल रहा होगा, उस दौरान क्या हुआ होगा कि ये जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल बने थे, इनमें से बहुत सारे फॉलिकल्स क्या हुए? बहुत सारे फॉलिकल्स डीजनरेट हो गए। क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। किस इवेंट की वजह से हुए? एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। इवेंट को हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया, जिसकी वजह से ये फॉलिकल्स क्या हुए? ये डीजनरेट हुए। और डीजनरेट होने के बाद में, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, जब वो फीमेल प्यूबर्टी अटेन करी, तो प्यूबर्टी अटेन करने पे जो नंबर कभी मिलियंस में हुआ करता था, वो कितना रह गया? वो 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स का रह गया, ठीक है। वहां पे 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स प्यूबर्टी में उसकी ओवरी के अंदर बच गए। अब क्या हुआ? जब प्यूबर्टी हुई, तो प्यूबर्टी होने पे क्या होता है बेटा? हाइपोथैलेमस नाम की, हाइपोथैलेमस नाम की ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करती है, जिसे हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था, ये पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा। पिट्यूटरी दूसरी ग्लैंड है जो शैला ट्रशिका नाम की कैविटी में प्रेजेंट होती है, कनेक्टेड होती है इसी हाइपोथैलेमस से, हाइपोफिजियल स्टाफ की मदद से। और ये पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन रिलीज करती है, दो गोनेडोट्रोपिन, पहला FSH और दूसरा LH। ध्यान से सुनते रहना। अब क्या हुआ? जैसे ही फीमेल ने प्यूबर्टी अटेन करी, 60 से 80,000 फॉलिकल उसकी ओवरी के अंदर प्रेजेंट थे, उसकी ओवरी के अंदर प्रेजेंट थे, तो ये जो FSH है ये क्या करेगा? ये जो FSH है ये क्या करेगा? ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। ये FSH इन फॉलिकल्स को जो अभी अरेस्टेड स्टेज में थे, मतलब जो पहले फॉलिकल यहां पे मौजूद थे, वो कहां पे उनकी सेल साइकिल रुकी हुई थी? उनकी सेल साइकिल मियोटिक डिवीजन फर्स्ट के प्रोफेज वन में, और उसके भी डिप्लोटीन वाली स्टेज में रुकी हुई थी। यही तो फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज थी, यही तो फर्स्ट अरेस्ट था। तो इस फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज को क्या करेगी? वो सेल साइकिल को कंटिन्यू करवाएगा। नाम से पता चल रहा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब वो हार्मोन जो फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। मैं क्या लिख रहा हूं कि वो हार्मोन जो फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। तो फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा कौन? FSH। और यहां पे क्या होगा? जो फॉलिकल प्रिमोर्डियल थे, वो प्यूबर्टी आते आते प्राइमरी फॉलिकल वाली स्टेज में थे। इस स्टेज में थे, प्राइमरी फॉलिकल वाली स्टेज में थे। तो अब ये FSH इन प्राइमरी फॉलिकल को क्या करेगा? ये जो प्राइमरी फॉलिकल थे, इन फॉलिकल को क्या करेगा? इनको कन्वर्ट करेगा किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल में। तो प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल को यही FSH कर रहा है, FSH की वजह से हो रहा है ये सारा काम। ये FSH कर रहा है सारी चीजें। इसे बना देगा टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल के बाद में बन जाएगा क्या? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा यहां पे? ग्राफियन फॉलिकल। अब इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आएंगे। क्या क्या? जैसे जो प्राइमरी फॉलिकल था, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, जो प्राइमरी फॉलिकल था उसके अंदर होता है प्राइमरी ऊसाइट और उसको सराउंड करने वाली एक सिंगल ग्रैनुलोसा लेयर। क्या कह रहा हूं? इसके अंदर है प्राइमरी ऊसाइट जो इस अरेस्टेड स्टेज में है, और उसके चारों तरफ क्या है? ग्रैनुलोसा की लेयर है।
जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है तो यहां पे प्राइमरी ऊसाइट ही रहेगा, प्राइमरी ऊसाइट ही रहेगा, लेकिन यहां पे ग्रेनुलोसा लेयर थोड़ी सी थिक हो जाएगी, यहां पे थोड़ी सी थिक हो जाएगी और ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाएगा। और जब ये और ज्यादा मैच्योर होगा, पहले ए स्टेज थी फिर ये स्टेज आई, फिर और जब मैच्योर होगा तो यहां पे वो जो फॉलिकल था उसके अंदर प्राइमरी ऊसाइट अभी कहां पे है, प्राइमरी ऊसाइट कब तक कहलाएगा, जब तक वो फर्स्ट अरेस्ट में है, जब तक वो फर्स्ट अरेस्ट में है तब तक वो प्राइमरी ऊसाइट है। अब जैसे ही मियोसिस कंप्लीट होगा, मियोसिस कंप्लीट होगा मतलब मियोसिस के कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जैसे ये मियोसिस वन है, मियोसिस वन के अंदर क्या होता है, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, और प्रोफेज वन के भी इवेंट होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये अरेस्टेड था इस स्टेज पे, इस स्टेज पे तो हम लोग कह रहे थे फर्स्ट अरेस्ट। और ये फर्स्ट अरेस्ट कब तक, कब हुआ था, ये फर्स्ट अरेस्ट हुआ था बिफोर बर्थ, कब हुआ था बिफोर बर्थ। और जब प्यूबर्टी हुई तो प्यूबर्टी पे इस सेल साइकिल को किसने कंटिन्यू करवाया, एफएसएच ने। तो एफएसएच ने क्या कराया, इसको फर्स्ट अरेस्ट से बाहर निकाला, डाइकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, डाइकाइनेसिस होने के बाद में मेटाफेज वन कंप्लीट हुआ, फिर एनाफेज वन कंप्लीट हुआ, फिर टीलोफेज वन कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद में वो एंटर किया किसमें, मियोसिस सेकंड के अंदर, और मियोसिस सेकंड के अंदर उसने प्रोफेज सेकंड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और फिर आके मेटाफेज सेकंड पे वो स्टॉप हो गया। तो जब ये मेटाफेज सेकंड पे फिर सेल साइकिल रुकी तो इसे क्या कह दिया, सेकंड अरेस्ट, क्या कह दिया, सेकंड अरेस्ट। तो अगर फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ऊसाइट कहेंगे, ऊसाइट क्या है, इमैच्योर ओवम, दोबारा बता रहा हूं। और सेकंड अरेस्ट वाली स्टेज को हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम सेकेंडरी ऊसाइट नाम दे देंगे, इसे हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी ऊसाइट कह देंगे। तो टर्शियरी फॉलिकल में क्या होता है, ये जो ऊसाइट है ये ऊसाइट होता है सेकेंडरी ऊसाइट, और इस सेकेंडरी ऊसाइट को सराउंड करती है यहां पे ये जो लेयर है ग्रेनुलोसा वाली, और ग्रेनुलोसा के अलावा, ग्रेनुलोसा लेयर के अलावा यहां पे फ्लूड फिल्ड कैविटी बनने की भी शुरुआत हो जाती है, यहां पे फ्लूड फिल्ड कैविटी बनने की भी शुरुआत होती है। और ग्रेनुलोसा के साथ साथ दो लेयर और आ जाती हैं जिन्हें थीका लेयर कहा जाता है, एक अंदर वाली को थीका इंटरना कह देते हैं और बाहर वाली को हम लोग क्या कह देंगे, थीका एक्सटर्ना कह देंगे, ठीक है। तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्या था, सेकेंडरी ऊसाइट था, अंदर वाली लेयर क्या थी, मैं उसी कलर से इसे लिखूंगा, अंदर वाली लेयर को मैं कहूंगा थीका इंटरना और बाहर वाली लेयर को क्या कहूंगा, बाहर वाली लेयर को कहूंगा थीका एक्सटर्ना। तो यहां पे जो थीका इंटरना है यही थीका इंटरना फीमेल के सेक्स हार्मोन जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, उस थीका इंटरना से रिलीज होता है। तो थीका इंटरना क्या करेगी बेटा, रिलीज करेगी फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन को, और ये जो फॉलिकल अब बना है इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम टर्शियरी फॉलिकल, इसे कहेंगे हम क्या, टर्शियरी फॉलिकल। और यही टर्शियरी फॉलिकल अब सबसे बड़ा फॉलिकल बनाएगा आगे चल के, जिसे क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, जिसे क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें ये सेकेंडरी ऊसाइट है। अब देखिए इसके अंदर, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी तक क्या है, प्राइमरी ऊसाइट, टर्शियरी फॉलिकल में क्या आ गई, सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट क्यों कह रहे हैं, पता होगा आपको, तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी ऊसाइट होगी। उसके अलावा एक बहुत बड़ी सी फ्लूड फिल्ड कैविटी यहां पे मौजूद है जिसे हम लोग एंट्रम कहेंगे, एंट्रम में एक फ्लूड भरा होता है, लिक्वर फॉलिकुलाई, लिक्वर फॉलिकुलाई, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे आपको दोनों थीका की लेयर देखने के लिए मिलेंगी, दोनों थीका की लेयर देखने के लिए मिलेंगी, ये रही थीका की लेयर, ठीक है। और ध्यान से सुनना, तो फॉलिकुलर अगर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा रहा है, या फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करवा रहा है, तो ये जो LH है दूसरा वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है इस ग्राफियन फॉलिकल पे, किसके ऊपर, इस ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर, और इस ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करके यहां से क्या करवा देगा, इसकी जो लेयर थी उनको रप्चर करवा देगा, और जिस इवेंट से होता है LH की जब हाई कंसेंट्रेशन होती है तो उसे LH सर्ज कहा जाता है, और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाता है, रप्चर कर जाता है, टूट जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद में, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को आप, ब्रेक डाउन होने के बाद में यहां से जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो बाहर निकल जाता है, यहां से जो ये सेकेंडरी ऊसाइट था, ये सेकेंडरी ऊसाइट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और इसी इवेंट को हम ओविलेशन कहते हैं। तो ओविलेशन को करवाया LH ने, किसने, LH ने, और ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर उसने एक्ट करके सेकेंडरी ऊसाइट को रिलीज करवाया। और बेटा ये जो रिमेन्स बचे हैं ग्राफियन फॉलिकल के, ये जो रिमेन्स हैं किसके, ग्राफियन फॉलिकल के, ये क्या करेंगे,
ये रिमेन्स ग्राफीन फॉलिकल के एक स्ट्रक्चर बनाएंगे येलो कलर का, जिसे हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ये क्या करेंगे, ये कॉर्पस लूटियम बना लेंगे जिसके अंदर येलो कलर का ल्यूटिन नाम का पिगमेंट होगा, और स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, कॉर्पस लूटियम कहेंगे। और यही कॉर्पस लूटियम किससे बना है, ग्राफीन फॉलिकल के रिमेन से जो कभी एस्ट्रोजन बना रहे थे, ये कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करने लगेगा, ये सिक्रीट करने लग जाएगा प्रोजेस्टेरॉन नाम के एक हार्मोन को, इसको प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन को। और ये कॉर्पस लूटियम के पास में दो रास्ते होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, इस कॉर्पस लूटियम के पास में दो रास्ते हैं। और देखिए ओविलेशन जब हुआ है, ओविलेशन जब हुआ है तो किस स्टेज पे हुआ है, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे, मतलब अभी भी ये कंप्लीट ओवम नहीं है। अगर कोई कहता हो कि ओविलेशन होता है, ओविलेशन में ओवम रिलीज होता है, तो सरासर गलत है। मतलब लॉजिकली अगर आप सोचे तो सेकेंडरी ओसाइट हुआ है, अभी भी दो फेज बाकी है, मेटाफेज पे ओरेस्ट है, एनाफेज ट्यूलोफेज, दोनों जब कंप्लीट करेगा तब वो ओवम कहलाएगा। और ओवम अब नहीं बनता, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनता है, एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवम कहलाता, ध्यान से सुनना। ओवुलेशन जब हुआ है क्या है, सेकेंडरी ओसाइट, और अभी भी ये किस स्टेज पे है, अभी भी ये सेकंड अरेस्ट पे है। सेकंड अरेस्ट कब होता है, मेटाफेज सेकंड वाली स्टेज पे, ठीक है, तो मेटाफेज सेकंड पे ही अरेस्टेड है ये। और ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था, इसके पास में क्या है, अभी दो रास्ते हैं, और अभी तो इसको मेटाफेज के बाद में एनाफेज टू भी तो कंप्लीट करना होगा, उसके बाद टीलोफेज टू भी तो कंप्लीट करेगा। जब ये दोनों फेज कंप्लीट होंगे तभी तो वो सेकेंडरी ओसाइट ओवम कहलाने लायक होगा, नहीं तो इससे पहले वो सेकेंडरी ओसाइट ही है। बात को ध्यान से समझते रहना। अब आगे की बात ये है कि ये जो कॉर्पस लूटियम बना था, ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है, ये कॉर्पस लूटियम के पास में दो रास्ते हैं, कौन से, कि अगर वो जो सिक्रीटेड, जो दूसरा वाला ओविलेटेड सेकेंडरी ओसाइट था, अगर उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, सस्टेन करेगा। कब तक सस्टेन करेगा, तो बेटा ये 12 वीक तक सस्टेन करेगा, मतलब लगभग 3 महीने तक ये रुकेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। क्यों, क्योंकि ये लगातार रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन को, और वो प्रोजेस्टेरॉन किस लिए चाहिए, ये प्रोजेस्टेरॉन चाहिए होता है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया है, यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमीट्रियम, उस एंडोमीट्रियम को मेंटेन करता है। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमीट्रियम को, और जब तक एंडोमीट्रियम है तभी तक इम्प्लांटेशन है या प्रेगनेंसी है, तो इसीलिए इस प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहलाया ये प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन को कॉर्पस लूटियम ने बनाया तो ये कॉर्पस लूटियम कितने दिन तक सस्टेन करा, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसने क्या किया। और दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि अगर ये कॉर्पस लूटियम कोई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, ये लगभग 8 से 10 दिन का वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं है तो ये कॉर्पस लूटियम जो कि कभी येलो कलर का एंडोक्राइन मास था, एंडोक्राइन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो रिलीज कर रहा है हार्मोन को, तो ये क्या करता है, ये व्हाइट कलर का एक मास बनाता है जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेन कहने लग जाते हैं, जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेन कहने लग जाते हैं, और ये कॉर्पस एल्बिकेन आगे चल के क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे आगे का रास्ता क्या था कि अगर सपोज करो फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये सस्टेन करेगा प्रेगनेंसी के अंदर, प्रोजेस्टेरॉन को बनाता रहेगा ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे या सस्टेन रहे, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है, एक वाइट मास बनाता है जो आगे चल के डिजनरेट होता है, जिसका नाम है कॉर्पस एल्बिकेन, और ये कॉर्पस एल्बिकेन क्या करता है, ये डिजनरेट हो जाता है, ये आगे चल के डिजनरेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कहां देखने के लिए मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको ओवरी के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। ओवरी के किस पार्ट में देखने के लिए मिलेंगी, ओवरी के किस पार्ट में देखने के लिए मिलेंगी, ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो कॉर्टेक्स में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइमरी फॉलिकल को बना दे रहा हूँ। प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होके थोड़ा सा बड़ा फॉलिकल बना रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल कह रहा हूँ मैं इसे, सेकेंडरी फॉलिकल आगे चल के थोड़ा सा बड़ा फॉलिकल बना रहा है, टर्शरी फॉलिकल कह रहा हूँ अभी इसे, इसके ऊपर थीका लेयर आ गई। और एक चीज़ और याद रखना, जब ये टर्शरी फॉलिकल बन जाता है तो इसके चारों तरफ एक लेयर आ जाती है सेकेंडरी ओसाइट वाली स्टेज पे, जिसे हम लोग जोना पेलुसिडा कहते हैं, सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ। कैसे, ध्यान से देखना, ये जो थे फॉलिकल, ये कौन सा फॉलिकल था, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, इस प्राइमरी फॉलिकल था, और ये क्या था हमारा, ये सेकेंडरी फॉलिकल था, ये सेकेंडरी फॉलिकल था। तो इस प्राइमरी फॉलिकल में और सेकेंडरी फॉलिकल में क्या मौजूद था, इन दोनों के अंदर मौजूद था प्राइमरी ओसाइट। तो प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ कोई लेयर नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये फॉलिकल क्या बना, ये टर्शरी फॉलिकल बना, इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर मौजूद है क्या, सेकेंडरी ओसाइट। इस सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ एक और
थिक लेयर आ जाती है जिसे जोना पेलुसिडा कह रहे हैं। और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, सबसे बड़ा फॉलिकल जिसे मैं कह रहा हूँ ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ग्राफियन फॉलिकल ये रहा। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगा, एक बड़ी सी फ्लूड फील्ड कैविटी और ये सेकेंडरी ऊसाइट जोना पेलुसिडा उसे सराउंड कर रहा है और फ्लूड फील्ड बड़ी सी कैविटी एंट्रम वाली जिसमें फ्लूड भरा हुआ है और इस ग्राफियन फॉलिकल से आप रप्चर करते हुए सेकेंडरी ऊसाइट को बाहर निकाल सकते हो, मतलब आप ओविलेशन करते हुए दिखा सकते हो। और लेटर ऑन जब ओविलेशन हो जाए तो इस कॉर्पस लूटियम को आप, सॉरी, इस ग्राफियन फॉलिकल के रिमेन्स को आप क्या बना देंगे, कॉर्पस लूटियम बना देंगे। क्या बना देंगे, कॉर्पस लूटियम बना देंगे। और लेटर ऑन ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, ये कॉर्पस एल्बिकेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेन बन जाएगा। और ये कॉर्पस एल्बिकेन क्या करेगा आगे चल के, ये डीजनरेट हो जाएगा, ये डीजनरेट हो जाएगा। तो ये सारा पार्ट, ये सारा प्रोसेस इसमें चल रहा होता है, फीमेल की ओवरी वाले पार्ट में चल रहा होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की बात समझिएगा, आगे की बात समझिएगा। देखिए बेटा, अब हम लोग बात कर लेते हैं एसेसरी डक्ट वाले पार्ट की। हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एसेसरी डक्ट। तो एसेसरी डक्ट में मैंने आपको दो पार्ट बताए थे, एसेसरी डक्ट में दो पार्ट बताए थे। सबसे पहला पार्ट जो मैंने बताया था आपको वो था फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट वाला, जिसे बताया मैंने फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट वाला पार्ट, ठीक है। इसमें तीन पार्ट थे, कौन कौन से पार्ट थे, सबसे जो ओवरी के पास में, जो ओवरी के सबसे नियर मोस्ट होगा, ठीक है। और ये फेलोपियन ट्यूब कितने सेंटीमीटर की होगी बेटा, ये 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है, ये यूट्रस और ओवरी दोनों के बीच में होती है, ठीक है। यूट्रस और ओवरी के बीच को, बीच वाले पार्ट में ये फेलोपियन ट्यूब एक्सटेंड करती है। तो इस ओविडक्ट में जो कि 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, इसका सबसे जो ओवरी के नियर मोस्ट पार्ट होगा उसे हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं, उसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम एक फनल शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या रखता है, ये इट पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को रखता है जिन्हें हम फिम्ब्री कहेंगे। और ये फिम्ब्री क्या काम करती हैं, ये ट्रैप करती हैं ओवम को आफ्टर ओविलेशन, ओवम या ऊसाइट कह सकते हैं, ओवम नहीं कहेंगे, आफ्टर ओविलेशन। और इसमें फेलोपियन ट्यूब में, इस फेलोपियन ट्यूब में एक ऑस्टियम नाम की चीज होती है, एक ऑस्टियम होती है। ऑस्टियम क्या करती है, ये एक ओपनिंग है, ओपनिंग है किसकी, फेलोपियन ट्यूब की। ये ओपनिंग है किसकी, फेलोपियन ट्यूब वाले पार्ट की, जिसके थ्रू ओवम को फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाया जाएगा। वो ओपनिंग है फेलोपियन ट्यूब की, जिसके थ्रू ओवम को या सेकेंडरी ओसाइट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचाया जाएगा। दूसरा पार्ट होता है यहां पे, दूसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एम्पुला। दूसरा पार्ट होता है जो वाइडर पार्ट है इसका, उसे हम एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला आगे चल के एक्सटेंड करता है इसमें एक नैरोअर पार्ट जो यूट्रस में जाके मर्ज कर जाएगा, एक नैरो पार्ट जो कहां पे प्रेजेंट होगा, जो नियर टू, या आप कह सकते हो ओपन इनटू द यूट्रस, ऐसे कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जो ओपन हो जाता हो इनटू यूट्रस, ये पार्ट हमारा इस्थमस होता है। और पूरी की पूरी बेटा, पूरी की पूरी जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है या ओविडक्ट होती है, उस ओविडक्ट के अंदर, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, उस ओविडक्ट के अंदर क्या होता है, उस ओविडक्ट वाले पार्ट में, उस ओविडक्ट वाले पार्ट में बेटा सीलिया लगी होती हैं। मतलब कह रहा हूँ क्या, कि यहाँ पे आपको बहुत सारी सीलिएटेड एपिथीलियम देखने के लिए मिलेंगी, ये सारी की सारी सीलिया लगी होती हैं। ये सीलियाज क्या कर रही होती हैं, ये सीलियाज का काम है, इन सीलियाज का काम होता है, ये जो आपका सेकेंडरी ऊसाइट ओविलेशन के बाद ऊपर ड्रॉ किया गया, ऑस्टियम के थ्रू अंदर आ गया, उसको फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंचाना, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको यूट्रस के अंदर पहुंचा देना, ये सीलिया का काम होता है। तो अगला पार्ट मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, अगला जो पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो ये है कि पूरी की पूरी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, उस पूरी की पूरी फेलोपियन ट्यूब में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बेटा, उस पूरी की पूरी फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपको सीलिया देखने के लिए मिलती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंटायर फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट इज इंटरनली लाइंड बाई, ये इंटरनली लाइंड होती है किस चीज से, सीलिएटेड एपिथीलियम से, सीलिएटेड एपिथीलियम से। और इन सीलिएटेड एपिथीलियम का काम क्या होता है,
इन सीलियाज का काम होता है बेसिकली मूवमेंट करवाना. किसका मूवमेंट करवाना? ओवम का मूवमेंट या सेकेंडरी ऊसाइट का मूवमेंट करवा के उसको फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचाना. और फर्टिलाइजेशन साइट में पहुंचने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसको यूट्रस तक पहुंचाना. ये काम होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर लगी हुई सीलियाज का. तो इतना पार्ट था जो आपको याद रखना होगा. किसका? ओविडक्ट वाले पार्ट का. अब हम अगली बात कर लेते हैं यूट्रस की. यूट्रस बेटा, इसको हम लोग वोम्ब या हाइस्टरा के नाम से भी जानते हैं. वोम्ब या हाइस्टरा के नाम से जानते हैं, ठीक है. ये कैसा होता है? ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी शेप होती है इन्वर्टेड पियर शेप. ये आपको इन्वर्टेड पियर शेप का देखने के लिए मिलेगा. और ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट की मदद से जुड़ा होता है, इसलिए वहां पे होल्ड होगा. तो यहां पे लिख दे रहा हूं कि इट इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल विद हेल्प ऑफ लिगामेंट. लिगामेंट की मदद से ये पेल्विक वॉल से जुड़ा होता है. नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यूट्रस की, कि यूट्रस में तीन मेन पार्ट होते हैं. जो सबसे अपर डोम शेप स्ट्रक्चर होगा, अपर डोम शेप पार्ट होता है, उसे हम फंडस कहते हैं. इसका जो मेन पार्ट होता है जहां पे इम्प्लांटेशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, उस मेन पार्ट को हम बॉडी या कॉर्पस कह देते हैं और सबसे जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं. सर्विक्स वाला पार्ट बेटा बहुत पावरफुल स्पिंचर मसल से बना होता है. इससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ मोस्ट पावरफुल स्पिंचर मसल्स. अब कहोगे कि इन पावरफुल स्पिंचर मसल्स का काम क्या होगा, इन पावरफुल स्पिंचर मसल का काम क्या होता है? तो बेटा जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन मतलब जब डिलीवरी होगी बच्चे की, तो उस डिलीवरी के दौरान ये सर्विक्स वाला पार्ट क्या करेगा? ये सर्विक्स वाला पार्ट बेसिकली बेटा बर्थ कैनाल के तौर पे एक्ट करेगा. ये बर्थ कैनाल के तौर पे एक्ट करेगा और ये उस के बच्चे के एक्सपल्शन में मदद करेगा. मतलब उसको बाहर पुश करने में मदद करेगा. एक्सपल्शन कह लीजिए या पुश आउट करने में ये सर्विक्स वाला पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स वाला पार्ट ओपन हो जाता है वजाइना के अंदर. दिस सर्विक्स ओपन्स इनटू वजाइना. तो इस जैसे सपोज करो ये वाला पार्ट सर्विक्स का है, उससे ऊपर वाला पार्ट यहां पे यूट्रस है और यहां पे वजाइना है. ये नीचे वाला पार्ट वजाइना है और बीच वाला पार्ट यहां पे सर्विक्स है. तो सर्विक्स इंटरनली ओपन होता है यूट्रस की तरफ. इंटरनल ओस्टियम से या इंटरनल ओएस कहते हैं उसे हम. और एक्सटर्नली ये ओपन होता है वजाइना वाले पार्ट में, जिसे हम लोग एक्सटर्नल ओएस कहते हैं या एक्सटर्नल ओस्टियम कहते हैं. तो यूट्रस और वजाइना के बीच में जो पार्ट है वो सर्विक्स है, जो किससे बना हुआ है? पावरफुल स्पिंचर मसल से बना हुआ है. और ये पावरफुल स्पिंचर मसल क्या करती है? बर्थ कैनाल के तौर पर एक्ट करेंगी ये सर्विक्स. और पार्चुरेशन में उस बच्चे को एक्सपल्शन करने में या पुश आउट करने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे किसका बेटा? वजाइना वाला. ठीक है, सर्विक्स जहां पे खत्म होगा यूट्रस के बाद, वहां पे वजाइना शुरू हो जाता है. अब बात कर लेते हैं कि वजाइना क्या है. तो बेटा वजाइना एक 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब होती है. और ये जो फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब है जो कि 8.5 सेंटीमीटर से बनी हुई है, इसको इंटरनली लाइन करने के लिए नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथीलियम होता है. इसको अंदर की तरफ से स्क्वायमस एपिथीलियम का नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड टाइप का एपिथीलियम बेटा प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट बेटा ये जो इंटरनली लाइंड ये स्क्वायमस एपिथीलियम है, ये क्या फॉर्म करता है इंटरनली? ये वजाइनल रग्स को फॉर्म करता है. इसको वजाइनल रग को ये फॉर्म करता है. और यही वजाइना वाला पार्ट क्या एक्ट करता है?
तो ये वजाइना एक्ट करता है बेटा, ये वजाइना एक्ट करता है कॉपुलेशन कैनाल के तौर पे, इसके तौर पे कॉपुलेशन कैनाल के तौर पे ये एक्ट करेगा। और कॉपुलेशन कैनाल के साथ साथ ये वजाइना और सर्विक्स दोनों मिलके बर्थ कैनाल बना सकते हैं, ठीक है। अकेला वजाइना कॉपुलेशन कैनाल है, इट रिसीव द मेल पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड वजाइना अलॉन्ग विद द सर्विक्स एक्ट एज बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल के तौर पे एक्ट करता है। और बेटा इंटरनली, इंटरनली वजाइना को लाइन करने के लिए, वजाइना को लाइन करने के लिए म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स भी होती हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती हैं। और जहां पे ये वजाइना ओपन होता है वहां पे एक पार्शियल मेम्ब्रेन होती है जो उस वजाइनल ओरिफिस या वजाइना की ओपनिंग को कवर करती है, उसे हम हाइमन कहते हैं। मैं अगली बात लिख रहा हूं कि वजाइना की जहां पे ओपनिंग होगी, जहां पे वजाइना की ओपनिंग होगी उस ओपनिंग को हम कहते हैं वजाइनल ओरिफिस, वजाइनल ओरिफिस। और उस वजाइनल ओरिफिस को कौन कवर कर रहा है, उस वजाइनल ओरिफिस को कवर करती है एक पार्शियल मेम्ब्रेन, उस पार्शियल मेम्ब्रेन का नाम होता है हाइमन। और ये हाइमन क्या होती है, सेंट्रली परफोरेटेड होती है, सेंट्रली परफोरेटेड है। अब इस बात का मतलब क्या है, तो सपोज करो ये वाला पार्ट है, ये वजाइना का ओरिफिस है, ये वजाइनल ओरिफिस है, मतलब जहां पे वजाइना ओपन होती है या कॉपुलेशन कैनाल ओपन होती है, इसको पार्शियली कवर करने के लिए, मतलब ऐसे पार्शियली कवर कर रही है, पूरा कवर नहीं कर रही है, उसको थोड़ा बहुत ओपन छोड़ दिया गया है या सेंट्रली वो परफोरेटेड छोड़ दी गई है। तो जिस पार्ट में वो सेंट्रली परफोरेटेड छोड़ी गई है वो ये है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही वजाइनल ओरिफिस थी, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये हाइमन है, और हाइमन पूरा इसको वजाइनल ओरिफिस को कवर नहीं करती है, बीच में क्या होती है ये सेंट्रली परफोरेटेड है, ये सेंट्रली परफोरेटेड है, मतलब बीच में से ओपन होती है। क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होगा या मेंसेस जब रिलीज होंगे तो बेटा इसी पार्ट से बाहर रिलीज किए जाएंगे, अगर ये बीच में से बंद होता तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कहां से या मेंसेस कहां से रिलीज होते। अब अगली बात आपकी बुक कहती है कि ये जो हाइमन है ये बेटा टॉर्न डाउन हो जाती है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है। क्या कह रहा हूं, इट गेट टॉर्न डाउन, टॉर्न का मतलब होता है टूटना, इट गेट टॉर्न डाउन, या मैं लिख दे रहा हूं इसमें दूसरी लैंग्वेज में, ब्रेक डाउन ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, और अगली बात यहां पे बताई गई है कि इट मे ऑल्सो ब्रेक डाउन, ये और भी ब्रेक हो सकती है, इट मे ब्रेक डाउन ड्यू टू, ब्रेक डाउन ड्यू टू सडन फॉल और जोल्ट, और ड्यू टू एक्टिव पार्टिसिपेशन, ड्यू टू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एक्टिविटी लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, हॉर्सबैक राइडिंग और साइकिलिंग, और ड्यू टू इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पोन्स। देखिए यहां पे बोला क्या गया है, ये सब बात मैंने क्या लिखी है, यहां पे बोला गया है कि ये जो हाइमन है ये टूट जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स में, लेकिन ये ब्रेकडाउन और भी कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे वो फीमेल गिर जाए या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, जैसे हॉर्सबैक राइडिंग है या साइकिलिंग है, या वो वजाइनल टेम्पोन्स, वजाइनल टेम्पोन बेटा क्या होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको कलेक्ट करने के लिए कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको वजाइना वाले पार्ट में फिट किया जाता है, तो उसके इंसर्शन की वजह से भी ये ब्रेक डाउन हो सकती है। और कुछ फीमेल्स के अंदर ये परसिस्ट करती है इवन आफ्टर इंटरकोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इन फ्यू या इन सम फीमेल्स, ऐसे लिखेंगे आप, इन सम फीमेल इट persist even after intercourse, so presence or absence of hymen is not a reliable marker of anyone's virginity। मतलब hymen का होना ना होना
किसी की वर्जिनिटी का कोई रिलायबल मार्कर नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, या वो एक तरीके का एविडेंस नहीं है कि आप किसी को डिसाइड कर पाओ कि इसका पास्ट कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, या कह सकते हैं आप कि दिस फीमेल हैज़ अंडरगो एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स और दिस फीमेल इज़ नॉट वर्जिन। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि लिख दे रहा हूँ कि हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ एनीवन्स वर्जिनिटी, ठीक है, किसी फीमेल की वर्जिनिटी का ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। अब लास्ट पार्ट है हमारा जिसे हम कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसे वल्वा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो बेटा इसमें एक फैटी कुशन होता है टिश्यूज़ का, या आप कह सकते हो कुशन है फैटी टिश्यूज़ का जिसको प्यूबिक हेयर कवर करके रखते हैं, जस्ट प्यूबिक सिंफेसिस के ऊपर होता है वो, उसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, क्या कहा मैंने कि मॉन्स प्यूबिस एक कुशन है फैटी टिश्यूज़ का विच इज कवर्ड बाई प्यूबिक हेयर, जिसको प्यूबिक हेयर कवर करते हैं, और जो बीच में डिप्रेशन होता है उस डिप्रेशन को हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं, और उस वेस्टिब्यूल के अंदर दोनों ओपनिंग होगी, यूरेथ्रल ओपनिंग भी होगी और वजाइनल ओरिफिस भी होगी, और इस वेस्टिब्यूल को कवर करने के लिए दोनों साइड से इसको कवर करने के लिए दो स्किन फोल्ड होते हैं, टू स्किन फोल्ड होते हैं। जो बाहर वाला स्किन फोल्ड होगा जो मॉन्स प्यूबिस से ऑरिजिनेट होता है, जो फ्लैशी हेयरी होता है या मेजर स्किन फोल्ड होता है, उसे हम लेबिया मेजोरा कह देते हैं, और उस लेबिया मेजोरा के जो इनर फोल्ड होता है, इनर फोल्ड होता है, उसको हम लेबिया माइनोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं। और इसी वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में दोनों की दोनों ओपनिंग होती हैं, ठीक है, दोनों ओपनिंग्स होती हैं। कौन कौन सी ओपनिंग होगी? तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ यूरेथ्रल ओरिफिश देखने के लिए मिलेगी, यूरेथ्रल ओरिफिश मिलेगी, और नीचे की तरफ वजाइनल ओरिफिश होती है, नीचे की तरफ वजाइनल ओरिफिश होती है, ठीक है बेटा। और यूरेथ्रल ओरिफिश के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में आपको एक सेंसिटिव ऑर्गन मिलता है जो बिल्कुल होमोलोगस होता है किससे? मेल की पेनिस से, उसे हम क्लिटोरिस कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि इट इज अ सेंसिटिव इरेक्टाइल पार्ट, इट इज अ सेंसिटिव इरेक्टाइल पार्ट विच इज होमोलोगस टू मेल पेनिस। और ये जो लेबिया मेजोरा मैंने आपको बताए, ये लेबिया मेजोरा को किससे होमोलोग माना गया है? तो बेटा इसे होमोलोगस माना जाता है, इट इज होमोलोगस टू स्क्रॉटम, जो मेल के स्क्रॉटम है उनसे इन्हें होमोलोगस माना जाता है, ठीक है। अब ग्लैंड कहां पे होंगी दोनों की दोनों? एक मैंने आपको बार्थोलिन बताई थी और एक स्किन ग्लैंड बताई। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये जो पूरा पार्ट है, ये मॉन्स प्यूबिस वाला पार्ट है। तो इस मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होते हैं मेजर स्किन फोल्ड, जिन्हें मैं कह रहा हूं लेबिया मेजोरा, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट है क्या? मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, और इस मॉन्स प्यूबिस से क्या एक्सटेंड हो रहे थे? जो मेजर स्किन फोल्ड थे, जिन्हें मैं क्या कह रहा हूं लेबिया मेजोरा, और इसी लेबिया मेजोरा से यहां पे छोटे स्किन फोल्ड हैं, माइनर स्किन फोल्ड हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूं लेबिया माइनोरा, ठीक है। और यहां पे समहाउ हेयर, यहां पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होता है ये क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस, ये क्लिटोरिस मेल पेनिस से होमोलोग माना गया था, इरेक्टाइल पार्ट है, और सिमिलर उन्हीं टिश्यूज से बना हुआ है जिससे मेल पेनिस होता है, केवर्नस टिश्यूज होते हैं उन्हीं से ये क्लिटोरिस बना हुआ है, और इस क्लिटोरिस को कवर करती है, इसको कवर करती है प्रिप्यूस या फोर स्किन, कवर्ड बाई प्रिप्यूस, या जिसे आप कह सकते हो फोर स्किन। जैसे मेल पेनिस को फोर स्किन कवर करती है, ऐसे ही क्लिटोरिस को भी प्रिप्यूस कवर करती है। उसके अलावा इसके जस्ट नीचे यहाँ पे समहाउ हेयर, ये होती है यूरेथ्रल ओरिफिश, यूरेथ्रल ओरिफिश मतलब यूरिनल ओपनिंग, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे समहाउ हेयर, ये होती है बेटा वजाइनल ओरिफिश, जो कॉपुलेशन कनाल के तौर पे एक्ट करेगी,
और इसी वजाइनल ओरिफिस को कवर करती है कौन? पार्शियल मेम्ब्रेन, जिसे मैंने क्या कहा था? हाइमन कहा था। इसी को कवर करती है हाइमन। अब इस वजाइनल ओरिफिस के दोनों तरफ ग्लैंड की ओपनिंग होती है, जिन ग्लैंड को कहा जाता है, या उन ग्लैंड की ओपनिंग, जिनकी ओपनिंग है वहां पे, उन ग्लैंड को कहते हैं हम लोग बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, या इन्हें हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, इन्हें कंपेयर किससे किया गया है? तो बेटा इन्हें कंपेयर किया गया है इससे, मेल की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, या इन्हें होमोलोग माना गया है, होमोलोगस माना गया है किससे? मेल की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। मेल की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो काम करती है, वही काम ये करती है, ठीक है, कंपेयर कह लीजिए या होमोलोग मान लीजिए, होमोलोग मान लीजिए इसकी, मेल की बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। तो इसका काम क्या हो जाएगा? इसका काम हो जाएगा, इट विल लुब्रिकेट द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करती है बार्थोलिन ग्लैंड बेटा, ठीक है। और दूसरी वाली ग्लैंड जो होती है, जिन्हें लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड कह रहा हूं, उसकी ओपनिंग इधर होती है बेटा, यूरेथ्रा के पास में, और इन्हें मैं नाम दे रहा हूं स्कीन ग्लैंड, इन्हें मैं नाम दे रहा हूं स्कीन ग्लैंड। तो दूसरी वाली ग्लैंड जो है, उसे मैं क्या कह रहा हूं? स्कीन ग्लैंड कह रहा हूं। और ये स्कीन ग्लैंड को लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, इन्हें हम लेसर वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर क्यों कहा जा रहा है? वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए वेस्टिबुलर कह रहे हैं, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड कह रहा हूं। और इन लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड को होमोलोग किससे माना गया मेल की? प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो दीज आर होमोलोगस टू मेल प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड से इन्हें होमोलोग माना जाता है। ये क्या करती हैं बेटा? इनका काम होता है, इनका काम होता है क्या करना? लुब्रिकेट करना या मॉइस्चर रखना, किसको? यूरेथ्रल ओरिफिस को, यूरेथ्रल ओपनिंग को या यूरेथ्रा को, ये मॉइस्चर रखने का काम या उसे लुब्रिकेट करने का काम करती हैं। और दूसरा, इनके जो सिक्रीशंस होते हैं, इनके जो सिक्रीशन होते हैं स्किन ग्लैंड के, उन्हें एंटी माइक्रोबियल समझा जाता है, उसे एंटी माइक्रोबियल उसका एक्शन माना जाता है, ठीक है। ये रही बात स्किन ग्लैंड की और सारे के सारे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया वाला पार्ट था उसकी, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात आसानी से समझ में आई हो, काफ़ी डिटेल्स थे, बहुत सारे डिटेल्स थे जो हमें कवर करने थे, हालांकि आज इतना अच्छा मन नहीं था तो इतने बढ़िया से मैं कवर नहीं करवा पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जैसे भी मैं करवा सकूँ, मैंने उस पूरे पार्ट को कवर किया है इस लेक्चर के अंदर। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।